Hello everyone, welcome to my channel. I am Vimi Dogra, solutionist, numerologist and astrologer. कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उधार दिया हुआ पैसा रिटर्न कैसे लेना है। किसी से मदद मांगना या किसी की मदद करना इसमें बुराई नहीं है, लेकिन यदि किसी से पैसे हमने लिए हैं उस व्यक्ति को रिटर्न ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा रिटर्न लेने का नाम ही नहीं देते हैं। यदि सामने वाले से पैसे मांग ले, काफ़ी दिन हो जाते हैं, सामने वाला पैसा नहीं देता है, हम सोचते हैं कि हमारे पैसे रिटर्न कब आएंगे, जब उन्हें ज़रूरत थी तब हमने हेल्प की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है सामने वाला पैसा रिटर्न देने का नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसे में हम उनसे पैसे मांगते हैं, रिश्ते अलग खराब होते हैं। वो हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है। यदि पैसे मांगे तो सामने वाले को बुरा भी लग सकता है और रिश्तेदारी भी खराब हो सकती है। पैसे मांगने पर यदि वो आपका दोस्त है, दोस्त भी रूठ सकता है, दोस्ती आपकी अलग खराब होगी और रिश्तेदार अलग रूठेगा। इसलिए मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपके पैसे आसानी से वापस आ जाएं। जितना हो सके आप सामने वाले को पैसे देने से बचें। लेकिन बिकॉज आजकल ज़माना ऐसा है, हम किसी की भी मदद करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि पैसे रिटर्न देते हैं, या तो इतनी अमाउंट ना दें कि सामने वाला व्यक्ति ना दे सके। यदि वो दोस्त है, रिश्तेदार है, अच्छे आपके रिलेशन उनसे बहुत ही अच्छे हैं, तो अमाउंट भी आप अपने हिसाब से दें, ताकि आपका सामने वाला व्यक्ति पैसे ना दे तो आपकी रिश्तेदारी भी खराब ना हो और आपकी दोस्ती भी खराब ना हो। आपको उपाय करना है, रोज़ मॉर्निंग में स्नान से निवृत्त होकर आपको जोत लगानी है। उसके बाद आपको एक गायत्री मंत्र की माला करनी है। एक माला में 108 मनके होते हैं, इसलिए आपको एक नियमित रूप से गायत्री मंत्र की माला करनी है। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ आपको 40 डेज करना है। हनुमान जी के सामने आपको दीपक लगाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति को आपने पैसे उधार दिए हैं, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपको कंटिन्यू 40 डेज करना है, उसमें ब्रेकअप नहीं करेंगे, आपको लगातार करना है और एक ही वक्त पर करना है। सूर्य देवता को सम्मान का कारक माना गया है। सुबह आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा, उसमें जल डालना है और लाल मिर्च के दाने, कुछ दाने उस पानी में डालना है और रोली डालनी है, और यह आपको सूर्य को अर्घ देना है। यह आपको लगातार करते रहना है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे नहीं दे देता है। आपको सूर्य को अर्घ देना है और साथ में आपको मंत्र भी कहना है, ओम आदित्याय नमः। यह आपको लगातार करना है। फ्राइडे के दिन आपको कपूर की काजल बनानी है। बनाएंगे कैसे? जैसे 5-6 कपूर आपको जला देने हैं, उसके ऊपर कुछ उल्टा छोटी सी दिया ले सकते हैं, वो उल्टा कर दीजिए, उसके ऊपर उसका काजल ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं। उस व्यक्ति का नाम लिखने के बाद वो पत्ता आपको भगवान जी के सामने रखना है, 1-2 घंटा वैसे ही रखना है, उसके बाद वो पत्ता आपको लॉकर में रखना है। अगला उपाय है आपको शनिवार के दिन दक्षिण मुखी होके हनुमान जी के सामने सरसों का दीपक लगाना है, उसके अंदर आपको 5 लौंग डालनी है और भगवान जी से प्रार्थना करनी है, और उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। यह पाठ आपको 3 बार करना है सैटरडे के दिन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा साफ रखें और उस डायरेक्शन में आपको पेड़ पौधे लगाकर रखने चाहिए, और हमेशा वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें कि वो डायरेक्शन हमेशा साफ रहे, वहाँ गंदगी बिल्कुल ना हो। सैटरडे के दिन आपको रोटी पर मक्खन या घी लगाकर ब्लैक डॉग को देना है। यह आपको नियमित हर शनिवार को करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जिस व्यक्ति ने आपके पैसे लिए हैं वो आपके पैसे रिटर्न दे दें। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को उधार दिए हुए पैसे रिटर्न कैसे लाना है इसके बारे में बताया है। लेकिन ध्यान रखें, आप पहले कोशिश करें,
आप उनसे पहले पैसे मांगे, यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है। एक जरूरी बात ये हमेशा याद रखें, यदि किसी को आपने पैसे दिए हैं, वो व्यक्ति बहुत ही करीबी है या रिश्तेदार है या दोस्त है, कि आपके पैसे मांगने से उसे बहुत ही बुरा लग सकता है, ऐसे में आप पैसे भूल जाएं या उनसे प्रार्थना करें पैसे देने की। पैसा इंसान कमा सकता है, लेकिन अच्छा दोस्त, अच्छा रिश्तेदार वो वापस नहीं मिलेगा। मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि पैसे देना भूल जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पैसे हमने किसी की हेल्प की है, रिटर्न देने के नाम पर अगर वो रास्ते में भी मिल जाएंगे वो रास्ता बदल देते हैं, सामने भी नहीं आते हैं। ऐसे मेरे पास एक दो क्लाइंट्स आए थे, उनके काफ़ी मतलब बड़ी अमाउंट थी उनकी, सामने वाला व्यक्ति उनके पैसे नहीं दे रहा था, तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने पैसे मांग लिए, रिश्तेदारी ना खराब हो जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो लेकिन ये छोटी छोटी रेमेडी यूज़ करके आप अपने पैसे आसानी से पा सकते हो। यह वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, यदि उनके भी पैसे कहीं रुके हुए हैं या किसी ने लिए हैं, उन्हें भी यह वीडियो देखकर हेल्प मिल सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जाकर आप मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। सी यू सून। थैंक यू। नमस्ते।